हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किसी भी एक्सेल सेल में जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उसको हम काउंट कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेल में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो डायरेक्टली आपके वर्ड को काउंट कर सके, क्योंकि हमारे पास एक लेन फंक्शन है LEN, जो बेसिकली क्या करता है, करेक्टर को काउंट करता है, न कि वर्ड को। अब देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि सपोज किसी कंडीशन में आपको वर्ड काउंट करना हुआ, तो अगर आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है आपके लिए। अभी तो ये वर्ड छोटा है इसलिए आप जल्दी काउंट कर देंगे, लेकिन अगर यही बड़ा हो और मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन से हो तो शायद आपके लिए टफ टास्क हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फार्मूले की, जो उस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी सेल के जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। और मैं बताऊँगा कि इसमें टेक्निक हम यूज़ क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ आउट वर्ड्स को काउंट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस फार्मूले की जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, उस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कंसेप्ट क्या है कि बेसिकली जो भी सेल में वर्ड्स गिवेन है उसके हम स्पेस को काउंट करेंगे और उसमें हम प्लस वन कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स उस पर्टिकुलर सेल में कितने हैं। तो आइए मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए कॉलम है और वन रो है, तो मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है लेन, कि जो देखिए इसमें लिखा है नंबर ऑफ करेक्टर्स, जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ करेक्टर देता है, और मैंने यहाँ पास किया A1, मतलब कॉलम ए रो वन। उसके बाद लिखना आपको माइनस, फिर लिखना है लेन, उसके बाद एक फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, उसके बाद आपको लिखना है A1 कामा, और यहाँ देना है स्पेस। हमने डबल इन्वर्टेड लिखा है, इसके बीच में हम एक स्पेस प्रेस कर देंगे क्योंकि हम स्पेस काउंट करने जा रहे हैं। उसके बाद आएगा कामा, उसके बाद और इसको हम क्लोज कर देंगे। इसमें हमने कर दिया प्लस वन। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड इसने रिटर्न कर दिया। चलिए मैं इसको नीचे तक खींच देता हूँ, क्योंकि हमने स्पेस प्लस वन किया इसलिए यहाँ पर वन दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ, देयर आर मेनी, तो देख सकते हैं ये तीन रिटर्न करेगा। तो इस पर आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखा इस हिसाब से वो प्लस वन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा स्पेस कंसिडर कर रहा है इसलिए वन दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने दो लिखा तो देखिए आपको टू रिटर्न किया। सेम ऐसे ही आप कुछ भी लिखेंगे ये आपका काउंट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम किसी भी सेल में वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।